सोलन में हार के बाद कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता सोलन के विधायक धनराम शांडिल ने की। हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हताश और निराश नजर आ रहे थे, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने चुनावों के समय अहम भूमिका निभाई और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए तन मन धन से पार्टी के साथ सेवाएं दी। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। विधायक धनराम शांडिल ने बैठक के बारे में बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों में हार के बाद निराश नजर आ रहे थे और उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उनमें नई चेतना भरने के लिए कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया गया है जिन्होंने पार्टी को मजबूत रखने के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हार के कारणों पर भी मंथन किया गया है। सोलन के कुमारहट्टी होम्योपैथिक कॉलेज में प्रेस क्लब सोलन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने रक्तदान किया, वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में करीब 50 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में लगातार हो रही रक्त की कमी को दूर करना है ताकि जरूरतमंदों को आपात स्थिति में इधर उधर न भटकना पड़े। कॉलेज के प्रभारी विशाल शर्मा ने बताया कि उनके विद्यार्थियों ने रक्तदान शिविर में न केवल रक्तदान किया बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी गए और वहां पर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया है। मंडी जिला में शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर है। डाइट प्रधानाचार्य बलवीर भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 और 19 के सत्र में अध्यापकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लर्निंग आउटकम बेस्ड अत्याधुनिक तकनीक से लेस टीचर ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के समर्थ डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार मंडी जिला में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा में सुधार हुआ है और प्रदेश भर के बड़े जिलों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मंडी जिला ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें अध्यापकों ने भी अपना प्रशिक्षण सही उपयोग करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। बलवीर भारद्वाज ने बताया कि डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 54.04% विद्यार्थियों ने ए ग्रेड में 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं और ई ग्रेड के विद्यार्थियों में भारी कमी आई है। मंडी जिला शिक्षा विभाग के द्वारा लर्निंग आउटकम के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा में सुधार किए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग की डैशबोर्ड रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जिले ने भी बड़े जिलों की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। हमारे जो 54.04% बच्चे जो हैं उन्होंने 80% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, मतलब ए और बी ग्रेड में हासिल करने वाले हमारे पास 54% बच्चे हैं। जो ई ग्रेड में हैं, मतलब सबसे कम नंबर लेने वाला जो ग्रेड है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और हमारे इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे जो अध्यापक हैं और जो हमारा ट्रेनिंग का जो स्तर है उसमें और गुणवत्ता आई है, फलस्वरूप बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी है और हमारा रैंक जो है जिला का वो पांचवें से तीसरे स्थान पर पे जो आया हुआ है। हमें मुझे गर्व हो रहा है इस बात का कहना होगी कि धर्मपुर जो फर्स्ट ब्लॉक है उसने पूरे स्टेट में तीसरे रैंक पे रहा हुआ है, पूरे स्टेट में 125 रैंक हैं। महिला थाना हमीरपुर में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि मंडी जिला के सरका घाट का रहने वाला एक युवक उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा, अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करता है। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक अजित सेन ठाकुर ने कहा कि
महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन चल रही है। गत दिवस 13 तारीख को एक हमारे पास कंप्लेंट आई वुमेन पुलिस स्टेशन में, जो इंक्वायरी की गई उसकी, जिसमें एक केस रजिस्टर हुआ है। ये इसमें एलिगेशन ये है कि एक सरका घाट में रहने वाला एक व्यक्ति ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उनको शादी का झांसा देकर ये दुष्कर्म किया है। इसके ऊपर हमने पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया है और अब इसके आगे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें इस व्यक्ति को भी हम अप्रिहेंड करने के लिए हमारी टीम्स जा चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है।